हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जैसा कि आपको पता है, जून 2021 एग्जाम के लिए जो असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट है वो अभी 30 अप्रैल 2021 है। और एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड किया जाएगा या फिर नहीं। तो इग्नू के वेबसाइट पर जो अपडेट किया गया है, इसको देखने के बाद आपको कन्फर्म हो जाएगा कि लास्ट डेट को कितना एक्सटेंड किया जाएगा। तो आप वीडियो को कम्प्लीट देखना, आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। इग्नू का जब जनवरी सेशन 2021 का एडमिशन स्टार्ट हुआ था तो इग्नू में दो नए प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे। एक है MCA जो कि 2 ईयर का है, पहले ये 3 ईयर का था, अब ये 2 ईयर वाला लॉन्च हुआ है। और साथ ही में एक और प्रोग्राम लॉन्च हुआ था PGDCA यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और ये दोनों प्रोग्रामों के लिए फर्स्ट एडमिशन जो है जनवरी सेशन 2021 में ही स्टार्ट किए गए है। तो इन प्रोग्रामों के लिए जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर अपडेट किया गया है, इसमें आपको कन्फर्म बताया गया है कि असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट क्या है जून 2021 एग्जाम के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं MCA प्रोग्राम का दिया गया है, जो 2 ईयर का प्रोग्राम है उनके लिए, जिनका जनवरी सेशन 2021 में एडमिशन हुआ है उनके लिए। और साथ ही में नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट क्या रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो नए प्रोग्राम कोड है जो MCA प्रोग्राम में है, और सभी में दिया गया है कि असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी डेट जो है जून 2021 एग्जाम के लिए 31 मई रहेगा, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही में जो PGDCA प्रोग्राम है, इसमें भी जो फर्स्ट एडमिशन स्टार्ट हुआ है जनवरी सेशन में स्टार्ट हुआ है यानी कि जनवरी 2021 में, और इसका जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर आज अपडेट किया गया, इसमें भी बताया गया है कि असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी डेट जून 2021 एग्जाम के लिए 31 मई 2021 निर्धारित किया गया है, जिसको आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर जब असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट एक्सटेंड किया जाता है तो सभी प्रोग्रामों के लिए किया जाता है, चाहे आपका कोई भी प्रोग्राम हो, बैचलर डिग्री का, मास्टर डिग्री का, सर्टिफिकेट का या फिर डिप्लोमा का, सभी के लिए लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाता है। चाहे आप किसी भी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हो, किसी भी स्टडी सेंटर के स्टूडेंट हो, सभी के लिए लास्ट डेट को एक साथ ही एक्सटेंड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक रीजनल सेंटर या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्टडी सेंटर के लिए असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट एक्सटेंड किया जाता है। जब लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाता है तो सभी रीजनल सेंटर, सभी स्टडी सेंटर और सभी प्रोग्रामों के लिए किया जाता है। तो अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि जो आपके असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट है वो अभी फिलहाल 30 अप्रैल 2021 है, पर इसको जब एक्सटेंड किया जाएगा तो वो 31 मई तक किया जाएगा। स्टार्टिंग में 15 मई तक भी किए जा सकते हैं या फिर डायरेक्टली 31 मई तक किए जाएंगे, पर इतना कंफर्म है कि जो आपका जून 2021 एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट होंगे वो 31 मई तक सबमिट होंगे। और आपको भली भांति पता होगा कि अभी COVID-19 के सिचुएशन को देखते हुए ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ है और कॉलेज वगैरह बंद है, और एक कॉलेज के तरफ से भी आपको बताया गया है कि अभी फिलहाल 15 मई तक तो असाइनमेंट सबमिट ही नहीं होंगे, और जो आगे का इन्फॉर्मेशन है वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि 15 मई के बाद ही असाइनमेंट सबमिट करने का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दिया जाएगा। नोएडा रीजनल सेंटर का एक स्टडी सेंटर है 2739, इनके तरफ से ये बताया गया है। तो अभी आप बिल्कुल ही बेफिक्र रहिए, जून 2021 एग्जाम के लिए आपको असाइनमेंट सबमिट करने के लिए काफी समय दिया जाएगा। अभी फिलहाल 30 अप्रैल है पर इसको एक्सटेंड किया जाएगा, तो पहले तो 15 मई के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है या फिर डायरेक्टली 31 मई तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसका जो अपडेट किया गया है वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने जनवरी सेशन 2021 में MCA में एडमिशन लिया है जो 2 ईयर का प्रोग्राम है, या फिर PGDCA में एडमिशन लिया है, तो उनके लिए असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिया गया है। अब आप असाइनमेंट बना सकते है, और असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी डेट भी आपको बता दिया गया है, 31 मई तक आप असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।